सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो रैंडम किंग की एक और से न्यू वीडियो। सो आज हमारे साथ है हमारे सीनियर सर, तो एक बार सर हमारे व्यूअर्स को हेलो जरूर बोल दीजिए। हेलो। तो अभी बेसिकली ये पहला पार्ट आपने देखा होगा जब हम अक्सा बीच पे ही थे, और आज फिर से हम अक्सा बीच पे, तो हमारे रहने वाला पार्ट टू। और आज बेसिकली हम लोग ने क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं खेला, बस सर के साथ थोड़ा इन्जॉय करा। तो अभी आप लोग देख रहे हो पीछे पूरा समुंदर, सर एक बार हाई कर रहे थे, ठीक है। एक बार पूछ देखो आप पूरा समुंदर वगैरह पूरा इलाका अपना। अक्सा बीच बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ पर अपना आके। निश्चित रूप से एक बहुत ही मनमोहक है, अविश्वसनीय और एक ठंडक सा महसूस होता है एक हॉलीडे में, और सबको आना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे कोरोना काल में सब घर में पैक जैसे हो गए थे, आज मुझे लगता है कि आज आके मुझे बहुत से आनंद की अनुभूति हो रही है। एक मनमोहक दृश्य, ठंडापन सा मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, शांति सा प्रतीत हो रहा है। मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए, ऐसे जगहों का आनंद लीजिए, बच्चों के साथ आइए, घर वालों के साथ आइए, और प्राकृतिक के इस मनमोहक दृश्य का आप आनंद उठाइए, क्योंकि चारों तरफ पीछे हरियाली है, इधर समुंदर के ऐसा वेव जो आपको आनंद में महसूस करवाएगा, आपको आप खुद से खुशी अनुभूति करेंगे अपने आप को। तो मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए, और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है अक्सा बीच, जहाँ हम सब मिल के कुछ देर बैठे हैं, सब अच्छा लगता है। आइए, क्रिकेट खेलिए, नहाइए, और जो भी करना है कीजिए, मतलब आप घर से बाहर निकल के एक सुरक्षित तरीके से भी, सर सुरक्षित तरीके से विशाल समुंदर के बीच में आके बैठिए, और बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा, और मैं हमेशा आने की कोशिश करता हूँ जब भी समय मिलता है, तो अच्छा बीच जो मैं आता हूँ, और यहाँ के अमीर यहाँ समुंदर की लहरों को अपने आप में महसूस करता हूँ, अनुभूति करता हूँ। इसलिए ये समुंदर है, कहते हैं क्या, ये अपने आप में जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ समुंदर के किनारे बैठ के अपने आप। एक चीज़ के लिए मैं टोकना चाहूँगा, अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि शायद आपकी वॉइस पूरी क्लियर आ रही है, क्योंकि माइक हमारे पास आज नहीं है ना, तो जिस दिन माइक होगा सर के साथ पूरी तसल्ली के साथ बैठ के पूरी अच्छी सी बातचीत करेंगे, अपना पूरा लंच टिफिन वगैरह सब लेकर आएंगे। तसल्ली से आज थोड़ा माइक नहीं हो रहा, समुंदर में आप लोगों को पता ही कितनी हवा वगैरह चलती है, लेकिन आज के लिए एक ये ट्रेलर था सर, बिल्कुल है ना, बहुत बिल्कुल। नेक्स्ट बार से जब आएंगे तो इसको और भी बहुत शानदार तरीके से इस चीज़ को हम महसूस करेंगे, और आप लोगों को भी महसूस करवाएंगे, बिल्कुल ऐसा कामना। और न्यू ईयर की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ये नया साल आपकी उम्मीदों के लिए, आपके विश्वास के साथ, उम्मीदों के साथ खरा उतरे, और इस नए विश्वास के साथ हम सब एक नए उम्मीद, नए उमंग और नए जोश के साथ, नए कार्यशैली के साथ हम आगे बढ़ें, और ये नया साल आप सबको बधाई, व्यूवर्स सबको बधाई, और हम सब एक साथ मिलके
इस नए साल का स्वागत करें, इस नए साल को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ के और देश और राष्ट्र तरक्की के लिए हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, हमारे सीनियर सर हैं और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा सर से मिलकर। आने वाली वीडियोस में आप सर को देखने वाले मेरे स्कूल सर। बिल्कुल। और तो इसी को हम आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज बेसिकली हमने कुछ करा नहीं, बस अपने फोटोज वीडियोस जो आप लोगों ने पहले देख लिया होगा वही सब दिखाया, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती तो और आपको ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आप लोगों के मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।